वेलकम ऑल ऑफ यू। सिक्स क्लास का चैप्टर ऐसा है, ये सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज है। फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, यानी कि डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि इसको सुटेबल जो तरीका उसके अनुसार करने हमने ये क्वेश्चन। प्रोडक्ट वाला भी है ये भी और ये भी। देखो कैसे करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने इसका, फर्स्ट क्वेश्चन ये लिया इसमें। अब इसमें सुटेबल रीअरेंजमेंट है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, इनको ऐड करेंगे हम तो ये 0 हो जाएगा। तो पहले इसमें 837 में 363 जोड़ देंगे तो ये सुटेबल हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, ये जोड़ दिया हमने, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये 8 और 3 11 और 1 12, 1200 हो गया। इसमें 208 सीधा जुड़ जाएगा, 208, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1408। तो इस प्रकार जोड़ने हैं ये सुटेबल में। सेकंड जो क्वेश्चन है, अब इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8, तो ये दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, इन दोनों को जोड़ेंगे हम पहले। तो इसके नीचे यहाँ लिखेंगे हमें 1538, तो ये हो गया इसमें 8 2 10, एक एसल होगी यहाँ पे, ये भी हो गया 10, 14 और एक ही हो गया 15, और ये हो गया 3, ये हो गया हमारे पास। इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको इसके नीचे लिख दो यहाँ पे 453, 0 हो गया, एक कैरी हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 10 और एक एसल हो गया था 11। अब इनको जोड़ दो दोनों को, 1100 में 3500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 4, तो इसका आंसर आ गया 4600। ये रीअरेंजमेंट के अनुसार लिखने हमने। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, अब इसमें मल्टीपल करने हमने, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 50, इन दोनों की गुणा 100 हो जाएगी, तो 1768 गुणा में इन दोनों की गुणा कर दी 100, तो आंसर सीधा आ जाएगा 1768, 2 0 है तो 2 0 लगा दी, ये इसका आंसर होगा। इसी का बी पार्ट है, 4 गुणा में 166 गुणा में 25, 4 की और 25 की गुणा फिर 100 हो जाएगी, 166 है जी टीज, 166 गुणा में 100 बराबर 166, 00 आएगी इसकी, ये आंसर होगा। इसका सी पार्ट है, इसमें 8 की और 125 की गुणा करेंगे हम, तो इन दोनों की जो गुणा करेंगे तो वो होती है 1000 गुणा में 291। अब 291 पहले लिख देंगे और 3 0 और लगा देंगे। तो हमने इस प्रकार से करना है कि जो क्वेश्चन है वो आसान हो। इसी में इसका डी पार्ट है, अब इसमें 625 गुणा में 279 गुणा में 16, यहाँ पे 16 की 625 की जो गुणा वो सिंपल होती है, 16 5 80 होगी, 8 कैरी होगी, 16 2 32 और 8 40 4, 16 6 96, 96 और 4 100 होगी। 289 के साथ गुणा करनी है हमने, तो सीधा हो गया 289, यहाँ से 2 2 4 0 लगा दी हमने, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला पार्ट हैगा ई है, इसमें यहाँ पे 5 ये 60, इन दोनों की गुणा करेंगे हम पहले, 285 गुणा में 5 से गुणा कर लेंगे तो ये 0 हो गया, 5 6 30 तो ये 300 हो गया। अब गुणा करेंगे तो 2 0 तो आएंगी आएंगे, 3 की गुणा कर दो यहाँ पे, 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, 3 2 6 2 8, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट है, इसमें यहाँ पे इन दोनों की गुणा कर लो और दो इन दोनों की गुणा करो, यहाँ पे 0 पहले तो 0 लगा दिया, 4 से गुणा करेंगे, 4 5 20, 4 2 8, 2 एसल थी हमारी 10, 4 1 4 1 5, ये होगी गुणा में, 25 8 कितना होता है, 200 होता है, 2 0 यहाँ पे हैं और 3 ही है, तो आंसर में 5 0 पहले ही लगा देंगे हम, 2 की और 5 की गुणा होगी 10, तो ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसमें वैल्यू यहाँ पे देखो, ये दोनों गुणा में है और ये बीच में जमा का निशान है, ये अलग टर्म है, तो इसमें 297 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको 297 को हम बाहर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच गया 17 जमा के, 297 बाहर आ गया, यहाँ बच गया हमारे पास 3, ये हो गया। तो ये हो गया 297 गुणा में 17 और 3 कितने हो गए, 20।
आंसर कितना आ जाएगा? 0 पहले लगा दी हमने, 2 से गुणा करी 2 से 14, एक कैंसिल होगी, 2 नीम 18 और 1 19, एक कैंसिल होगी, 2 दूनी 4 1 5, ये आंसर हो गया इसका। सेकंड पार्ट है इसका, यहाँ पर भी देखो ये यहाँ तक तो गुणा में है और यहाँ से लेके ये गुणा में, ये बीच में पॉजिटिव निशान है, ये संख्या और ये संख्या यहाँ पे सेम है, तो कॉमन ले लिया हमने इसमें 54,279 कॉमन लिया, तो यहाँ बच गए हमारे पास 92 प्लस यहाँ बच गए 8, तो ये हो गया हमारे पास एज इट इज। 92 और 8 कितने हो गए? 100, दोनों जोड़ दिए हमने, तो पहले 2 जीरो लगा दी, 1 की गुणा कराएंगे तो ये सेम आ जाएगा एज इट इज 279, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट है सी पार्ट है इसका, यहाँ तक ये दोनों गुणा में है और ये यहाँ पर ये दोनों गुणा में, बीच में माइनस का निशान है इसमें, तो इसमें भी सेम एज इट इज हो जाएगा, ये 81,265 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 169 माइनस के, यहाँ बच गया 69, तो ये हो गया 81,265 गुणा में 169 में से 69 गए 100 बच गया, तो ये 2 0 तो पहले आ जाएंगे, 1 की गुणा करेंगे तो ये सेम आ जाएगा 81, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक पे गुणा में है और ये भी गुणा में है, तो यहाँ पे 5 की और इसकी गुणा करेंगे, पहले इसकी और इसकी गुणा करेंगे, दोनों की जो गुणा है वो सेम गुणा होगी, गुणा करो इसकी, 5 5 25 हो गया, 2 वैसल 5 के 20 और 2 22, 5 8 40 और 2 42, 5 3 15 और 4 19, गुणा में 782, जमा में इन दोनों की गुणा भी सेम आएगी, 225 गुणा में 218। अब ये देखो ये दोनों सेम है, तो एक कॉमन ले लिया हमने, 19,225 कॉमन लिया, तो ये बच गया 782 जमा में 218। अब ये 19,225 गुणा में इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और 1, ये 1,000 हो गया इसमें, तो 19,225 30 लगा दिया हमने इसमें, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है नेक्स्ट, वो है इसमें 738 गुणा में 103 है, रीअरेंजमेंट करने हमने इसमें, 738 है जी टीज, 100 के 2 पार्ट कर देंगे हम, 100 जमा में 3, तो 738 की 100 की जो गुणा होगी 738,00 हो गया, जमा में 3 की गुणा कर दे इसके साथ, 3 8 24, 3 3 9 और 2 11, एक कैंसिल होगी, 3 7 21 और 1 22, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ लिख के जोड़ दो चाहे वैसे जोड़ दो, ये हो गया 4 1, ये हो गया 0 और ये हो गया 5 रे कैंसिल थी 6, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो है 854 गुणा में 102 है, तो सेम एज इट इज होगा, 854 100 जमा में 2, तो 100 की गुणा करेंगे तो 854 20 होगी, जमा में 2 से गुणा करेंगे तो 8 10 और ये हो गया 17, अब जोड़ दो इसको 17 0 8 को, ये हो गया 8 0, 7 और 4 11, 5 और 1 6 और 1 असल 7, ये हो गया 8 एज इट इज, तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें अगला है 258, 258 गुणा में 1008 है, तो इसको हम लिखेंगे 258 1,000 जमा में 8, 1,000 की गुणा कराएंगे तो 258 30 हो रहा है इसमें, जमा की 8 से गुणा कर दो, 8 8 64, 6 चलोगे 8 5 40 और 6 46, 4 चलोगे 8 2 16, 8 2 16 और 4 20, ये हो गए, तो इसमें जोड़ दो 20 64, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 0, ये होगी 0, ये हो गया 6 और ये हो गया 2, तो ये इसका आंसर है। इसका अगला पार्ट है 1005 गुणा में 168, तो 168 को पहले लिख दिया, इसके पार्ट बना दिए हमने 1000 जमा में 5, तो 168 30 एज इट इज होगी इसकी, 5 5 से गुणा कर दो, 5 8 40, 5 6 30 और 4 34, 5 1 5 और 3 8, तो ये हो गया 840 और जोड़ दो इसमें 0 4 8 8 6 1, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था,
ये क्वेश्चन करने हैं आपने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।